जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी हुई रात के 8 बजे, स्क्रीन काली हुई, चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, कागज का टुकड़ा नहीं था उस समय तक, आप बदल सकते थे उसे, नोट अमान्य हो गए थे, बदले जा सकते थे। लेकिन किस तरह से ड्रामेटिक तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हो। सच यही है कि वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन वो जंग इस देश के आम आदमियों की जेब से थी। 500 का जो पुराना नोट था, 1000 का जो पुराना नोट था, उससे तकरीबन 35 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन उस 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी और दूध आम आदमी की है, किसानों की है। सोचिएगा 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले 2.5 साल में ये कहते हैं कि देश हित में फैसला है। देश हित में फैसले ऐसे नहीं होते साहब, और देश हित का फैसला जो है वो आवाम ने ही उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के भाषण में 3 कपड़ा बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े खड़े मर जाएं। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर चुप रहे तो ये वक्त बहुत बुरा है, जो चुप रहते हैं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज वो चुप हो गए, वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि हमारे दर्द में गम में फटक